पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, सोशल इंजीनियरिंग का ये वो ट्रंप कार्ड है जिसके जरिए अखिलेश 2024 में सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जगह जगह पीडीए का नारा बुलंद करते नजर आ रहे हैं और अब वो साइकिल यात्रा के सहारे इस रणनीति को धार देने में जुटे हैं। साइकिल यात्रा अखिलेश यादव निकालेंगे और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। अखिलेश गोसाईगंज में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्थल से साइकिल यात्रा की शुरुआत करेंगे। वो अमूल प्लांट, एचसीएल, सीजी सिटी, प्लासियो मॉल, इकाना स्टेडियम से होकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक पहुंचने वाले हैं। जनता के बीच जमीन मजबूत कर रही समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा के जरिए पीडीए जातिगत जनगणना के मुद्दे को धार देने की कोशिश करेगी और अब सवाल यही कि चलेगी साइकिल, क्या मिलेगा माइलेज, इस मुद्दे पर ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और सपा के मिशन 2024 को लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश में सभी सियासी जमातें लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय हो गई हैं। मतदाताओं में अपनी पैंठ बनाने के लिए आरोप प्रत्यारोप, रैली और विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा निकालेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर जनेश्वर मिश्र पार्क तक पीडीए साइकिल यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव 11 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से इस यात्रा के साथ शामिल होंगे और जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल चलाते हुए आएंगे। यहां ये बताना जरूरी है कि अखिलेश यादव ने 2012 में जब मायावती के खिलाफ चुनाव का बिगुल फूका था तो साइकिल यात्रा से ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी और इसी साइकिल यात्रा के माध्यम से उन्होंने प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। सपा की साइकिल यात्रा का मुख्य उद्देश्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों, विचारों और कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश अपनी साइकिल यात्रा में जातिगत जनगणना की मांग, आरक्षण में हो रही छेड़छाड़ और किसानों के शोषण के मुद्दे को प्रमुखता से रखेंगे। समाजवादी पार्टी साइकिल यात्रा प्रत्येक जिले से उत्तर प्रदेश के होते हुए लखनऊ आ रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जनेश्वर मिश्रा पार्क तक साइकिल चलाएंगे। ये संदेश है देश और उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक किसान मजदूर वंचितों को कि समाजवादी पार्टी ही है, एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उनकी लड़ाई को लड़ेगी और 2024 का चुनाव पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के नाम पे लड़ेगी, उनके अधिकारों के लिए लड़ेगी। साइकिल यात्रा के दौरान पर्चा वितरण, संगोष्ठी, नुक्कड़ सभा, जुलूस, वृक्षारोपण और पर्यावरण की जागरूकता के बारे में लोगों को बताया जाएगा और राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में संबंधित जिलों के सीनियर नेताओं के अलावा पार्टी के नामी चेहरे भी शामिल होंगे। अखिलेश जहां साइकिल यात्रा के जरिए अपनी पीडीए की रणनीति को धार देने की कवायद में जुटे हैं, वहीं बीजेपी अखिलेश की साइकिल यात्रा पर निशाना साध रही है। देखिए, अपराधियों की पार्टी, जातिवादी वाली पार्टी अखिलेश यादव जी को ये समझना होगा कि जनता उनके पीडीए को, जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको नकार चुकी है। अब चाहे साइकिल यात्रा निकालें, जहाज यात्रा निकालें या कुछ भी निकालें, जनता अब अखिलेश जी को और उनके पार्टी को स्वीकारने वाली नहीं है। चुनावी रथ यात्रा सपा के लिए सियासी संजीवनी की तरह रही है। रथ यात्रा की परंपरा मुलायम सिंह यादव ने शुरू की थी और उसे अखिलेश यादव ने आगे बढ़ाया। अखिलेश यादव ने 2012 के चुनाव से पहले बीएसपी सरकार के खिलाफ रथ यात्रा और साइकिल यात्रा निकाली थी। इस तरह उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार प्रदेश में आई थी और अखिलेश यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। सत्ता में वापसी के लिए 2022 में विजय रथ निकाला था। इस यात्रा से सपा सत्ता में तो नहीं आ सकी, लेकिन पार्टी की सीटें दो गुना हो गई। 2024 में फिर से अखिलेश साइकिल यात्रा के बहाने जातीय समीकरण को दुरुस्त करने के साथ साथ जनता का मूड भी भापेंगे। अब 2024 में अखिलेश को जनता नकारेगी या फिर वोट का आशीर्वाद देकर सत्ता तक पहुंचाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके सभी का परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। एस एन सिंह जी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ है, बहुत स्वागत है सर आपका। अमित जामे जी इस वक्त समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ है, आपका भी अमित जी बहुत स्वागत है। और साथ ही मनोज यादव कांग्रेस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज जी आपका भी बहुत स्वागत है। तीनों का एक एक करके रुख करते हैं, पहले अमित जी आप ही का रुख करना चाहूंगी। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? पूरे देश में तानाशाही, नायकवाद और किसानों के अधिकारों पे जो हमले हुए हैं, जिस तरह से हमारे संवैधानिक संस्थाओं को उस पर हमला हो रहा है, जिस तरह मंडल कमीशन के बाद जो हमारे पिछड़े दलित गरीब कमजोर लोगों को जो अधिकार मिले थे शिक्षा में और नौकरियों में, निजीकरण के खत्म करने का काम किया गया, तो इस अधिनायकवाद के सामने पूरे देश में दो शक्तियां लड़ रही, आदरणीय राहुल जी लड़ रहे हैं पूरे देश में, माननीय अखिलेश यादव जी क्योंकि हिंदी पट्टी में वो युवाओं में सबसे बड़ी आवाज है, उत्तर प्रदेश में वो पिछले 22 अगर 2022 अगर आपको याद हो तो आप देखेंगे कि वो एक एक जिले में दो दो दिन जाके बैठ जाए, 48-48 घंटे अपनी जनता के बीच में दुख दर्द में वो शामिल है। ऐसा कोई नेता मैंने पूरे भारत में नहीं देखा कि जो अपने जनता के बीच में, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को होना चाहिए, उनके दुख दर्द में अखिलेश यादव जी बैठे हुए। और ये साइकिल यात्रा के बारे में नहीं बताया कि जब भी माननीय अखिलेश यादव जी ने साइकिल यात्रा का सफर किया है तो सत्ता जो दिल्ली में है तो सिंहासन है डोला है। तो ये हमारे एक नौजवान नेता है यादव जी, वो ये दूसरे इलाहाबाद से लेकर लखनऊ की जो दूसरा चरण की यात्रा है जी, उसका मकसद ही जो शिक्षा का निजीकरण है वो बंद हो, हमारे देश में जो नौकरियां सरकारी हो रही है वो निजीकरण प्राइवेटाइजेशन बंद हो, तो रिजर्वेशन का मामला है, कोटा महिलाओं के आरक्षण में जो पीडीए गायब है, ना उसमें महिलाएं हैं, ना उसमें दलित महिलाएं हैं, ना पिछड़ी हैं, ना मुसलमान हैं, इन सारे विषयों पे जो कांग्रेसों का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से पीडीए का आइडिया है, पीडीए कोई आज का आइडिया है, तो उसी आइडिया को यादव जी शार्पिन करके विचारधारा बुनियाद पर हम उत्तर प्रदेश को खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। एसएन सिंह जी, आप किस तरह से देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की इस साइकिल यात्रा को? देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो आदर्श था, जिसको लेकर आदरणीय मुलायम सिंह जी चले थे, वो साइकिल समर्पित किए उन्होंने अखिलेश यादव जी को, लेकिन अखिलेश यादव जी ने क्या किया, अखिलेश यादव जी नवरत्नों से गिर गए, पूरे प्रदेश को 3-4 भागों में बांट कर लूटने का कार्य किए, प्रदेश की जनता ने देखा कि साइकिल को छिन्न भिन्न कर दिए, तोड़ दिए, पंचर कर दिए और प्रदेश में त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगे, 700 दंगे हो गए, कहीं दुष्कर्म हो रहे थे, कहीं अपराध हो रहे थे, कहीं मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे, कहीं बदायूं में दुष्कर्म हो रहा था, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई कि सब लोगों ने साइकिल का साथ छोड़ दिया, अखिलेश जी का साथ छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी ईमानदार जवाब दे और जनता की सरकार बन गई। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को समझना होगा कि आपने जो कृत्य किया है वो भूलने लायक नहीं है, आप सैफई में नाच गाने करते रह गए और मुजफ्फरनगर में क्या नहीं होता है, निश्चित तौर पर वो जोगिंदर जी का जो पत्रकार थे उनका परिवार इंतजार कर रहा है कि कब साइकिल से आप उसके यहां आएंगे, मुजफ्फरनगर में जो दोनों भाई मारे गए उसका परिवार इंतजार करता रह गया कि कब साइकिल से आप उसके पास आएंगे, जो मथुरा के पीड़ित लोग थे वो इंतजार करते रहे, आज तक अखिलेश जी आप आए नहीं, और कृष्णानंद राय जी का परिवार तो वो कितने दिन से अखिलेश जी आपका इंतजार कर रहा है कि आपकी सरकार में क्या क्या नहीं हुआ, तो निश्चित तौर प्रदेश की जनता इनको देखी है, ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश जी नए है, हाँ उस समय अखिलेश जी नए थे तो लोगों को लगा, 2022 में भी बहुत सारी यात्रा, रथ यात्रा, साइकिल यात्रा, पता नहीं क्या क्या की है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को तो शासन पे भरोसा है, शासन पे भरोसा है, राशन पे भरोसा है और बाबा की बुलडोजर पे भी भरोसा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जात धर्म बड़ वर्ग मत मजहब देखकर भारतीय जनता। लेकिन एस एन सिंह जी, एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे चाहूंगी, ये जो ट्रंप कार्ड खेलने की कोशिश अखिलेश यादव इस वक्त कर रहे हैं, एक छोटा सा रिएक्शन आप दीजिएगा, ऐसा तो नहीं कि आप पर ही ये दांव भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इससे पहले कई यात्राएं जो निकाली गई इस तरह की, उनका कहीं ना कहीं फायदा तो जरूर हुआ है। देखिए, उन्होंने कहा कि हम पीडीए यात्रा निकालेंगे, तो सब लोग जानते हैं पीडीए यात्रा आज से थोड़े कर रहे हैं, परिवार डेवलपमेंट पार्टी तो आज से थोड़ा ना है, 38 लोग एक ही परिवार के, मंत्री संतरी विधायक पता नहीं क्या क्या थे, पहली बात, दूसरी बात क्या फर्क पड़ेगा भैया,
चुनाव किस चीज का होने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव तो होने नहीं जा रहा है, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, और गिनतियों में आप गिनेंगे तो इनके कितने सांसद हैं आप गिन लेंगे, 3 में न 13 में एक कहावत है तो, और दूसरे राज्यों में आपकी कोई हैसियत नहीं है। स्वयं कांग्रेस कह रही है कि भाई जब समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है तो कौन अखिलेश वकिलेश, ऐसे अखिलेश जो एक पार्टी के, मैं तो कह रहा हूँ पार्टी कांग्रेस के इस वक्त प्रवक्ता हमारे बीच में मौजूद है, उन्हीं से इसका जवाब ले लेते हैं। मनोज जी, आप कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को समाजवादी पार्टी की, क्योंकि 2024 में तो हम साथ साथ है वाली परंपरा आप निभाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अब अखिलेश यादव की ये यात्रा पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? देखिए, पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के दमन जुल्म शोषण के खिलाफ यात्राओं के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चला करके ये चलाया जा रहा है। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी लगातार भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किए, अभी कल वो किसानों के बीच में धान के खेतों में गए थे, और वो लगातार कह रहे हैं कि इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को, आदिवासी वर्ग के लोगों को उनका हक नहीं मिला है। जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी कराएगी और उनको उनकी संख्या के अनुपात में सरकारी नौकरियों में, संसाधनों में और इस देश के संपदाओं में हम देंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, देखिए पूरे देश में लिंग, धर्म, जात, क्षेत्र और संप्रदाय के आधार पर अगर किसी ने विभाजन किया है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किया है। इस देश में युवा बेरोजगार है, इस देश में आप ये उत्तर प्रदेश की घटनाओं को गिना रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हाथरस में दलित युवती के साथ बलात्कार होता है, पूरा पुलिस इस बात के लिए खड़ा था कि प्रियंका जी राहुल जी उससे न मिल पाए। आप मैं बता रहा हूँ, अभी देवरिया में घटना हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है सामंती गुंडों के द्वारा, भाजपा के पोषित पल्लवित जो गुंडे हैं, माफिया हैं, अपराधी हैं, वो आजकल रील बना के देख, आप मैडम देख जानती होंगी, आप देखिए रील उठा के सभी योगी जी के बिरादरी के जितने माफिया है रील बना के बंदूक लेके, और एक नई तरह की यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हुआ है, जहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली हालत कर दी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दूसरी तरफ जो देखिए रिपोर्ट्स बताती हैं, एनसीआरबी के जो आंकड़े भी बताते हैं, फिर उस चीज पर भी गौर करने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में पहले के मुकाबले माहौल भी तो आप देखिए ना, अपराध आप देखिए कि उस पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ।